ओके सो आई हैव एक्सप्लेन द रूल्स फ्रॉम 1 to 20। ठीक है, 1 to 10 की आपके पास फाइल है, 11 to 20 की नहीं होगी शायद, मैंने नहीं भेजी है तो वो मैं आपको भेज दूंगी अलॉन्ग विथ दिस फाइल। यहाँ पर क्या है, आपके 20 to 30 रूल्स हैं। नेक्स्ट क्लास तक आपके रूल्स फिनिश हो जाएंगे एंड अलॉन्ग विथ दैट आई विल बी गिविंग यू अ वर्कशीट जो आप आराम से बनाएंगे क्वेश्चंस, एंड देन उसके बाद जो भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी। ओके यस मैम। ओके देन लेट्स स्टार्ट। 21 रूल ये कहता है कि ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, जैसे मैंने आपको एडजेक्टिव में पढ़ाया था, वेन एवर यू आर कंपेयरिंग कंटिन्यूअसली, ओके, जब आप कोई भी कंपैरिजन करते हैं, कंटिन्यूअस कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, जैसे द टाइड्स आर ग्रोइंग वाइट हायर एंड हायर, तो टाइड्स जो हैं वो समय के साथ कोई भी एक टाइम यूनिट है, ठीक है, 1 घंटा हो गया या 3 घंटा हो गया, 1 दिन हो गया, वो टाइड्स जो हैं वो ग्रो करते जा रहे हैं, बढ़ते बढ़ते बड़े बड़े होते जा रहे हैं, और बड़ी टाइड्स आ रही है, उसके बाद जाने वाली टाइड्स और ज्यादा आ रही है। तो जब भी आप कंटिन्यूअस कंपैरिजन करते थे तब आप क्या लिखते थे, ग्रो एंड हायर एंड हायर, लोअर एंड लोअर, ठीक है, बेटर, वो सारी जो कंपैरिजन आप डबल में लिखते थे तो वैसे कंटिन्यूअस कंपैरिजन में लिखते थे। तो सिमिलरली यहाँ पर जब आप दो नाउन बार बार लिख रहे हैं, ठीक है, एक एक ही वर्ड है वो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं विद एन एडिशन इन बिटवीन ऑफ विद एन एडिशन ऑफ प्रपोजिशन। आप एक दोनों जो नाउन है आपका, ठीक है, एक ही नाउन है उसको दो बार रिपीट किया जा रहा है जिसके बीच में प्रपोजिशन लग रहा है, ठीक है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज कोई एक एक्शन, ठीक है, कोई एक एक्शन बार बार रिपीट हो रहा है बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ सम ग्रुप। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि स्टूडेंट्स वर ज्वाइनिंग द ग्रुप कंटिन्यूसली, मतलब वो ज्वाइन करते जा रहे हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट दे वर ज्वाइनिंग द ग्रुप, तो ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि एक के बाद एक स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट दे वर ज्वाइनिंग द ग्रुप, मतलब वो एक के बाद एक सारे ज्वाइन करते जा रहे हैं ग्रुप में, जो भी मीटिंग चल रही है आपका, जो भी फंक्शन ऑनलाइन हो रहा है वो उसमें आप ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो सिमिलरली जब कोई एक्शन बार बार रिपीट हो रहा है उसके लिए अगर हम दो नाउन लगाते हैं, सेम नाउन को दो बार लिखते हैं प्रपोजिशन के साथ, तो उसमें आप सिंगुलर वर्ब क्यों लगाएंगे, बिकॉज द एक्शन इज डन बाय अ सेम पर्सन, ठीक है, एक बंदा है जिसने वो एक्शन किया, उसके बाद दूसरे बंदे ने वो सेम एक्शन किया, तो वो जो सेम एक्शन बार बार रिपीट हो रहा है, बट आप एक्शन को जब बता रहे हैं कि वो जो जो भी पर्सन है वो एक्शन कर रहा है तो वो तो एक ही बार किया वो एक्शन, राइट। अगर मैं कहूँ कि मैन आफ्टर मैन वॉज कमिंग देयर, मतलब एक आदमी आया अंदर, फिर उसके बाद दूसरा आदमी आया, फिर उसके बाद तीसरा आदमी आया, तो एक्शन रिपीट हो रहा है, बट एक बार में आपका एक ही एक के बाद एक आ रहा है, दैट मीन्स एक आदमी जब आ रहा है तो उसपे आपके सेंटेंस बनाया, फिर दूसरा आदमी आ रहा है तो फिर उस पर बनाया, तो ये रिपीटेशन हटाने के लिए आपने एक ही सेंटेंस बनाया ताकि आप बता सके कि ये एक्शन जो है बार बार जो लोग हैं वो रिपीट कर रहे हैं। तो क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वहां पर एक बार में एक ही आदमी रहेगा, इसीलिए सब्जेक्ट आपका वहां पर एज अ सिंगुलर लेंगे और आपका वर्ब जी होगा वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। ओके तो मैन आफ्टर मैन वॉज कमिंग देयर, 1 month आफ्टर अनादर हैज पास्ड, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग रेगुलरली, एक के बाद एक शिप्स आती जा रही है हार्बर पे, तो वही चीज है, जब रिपीट हो रहे हैं एक्शंस लेकिन एक बार में एक ही शिप अराइव हो रहा है, राइट, वहां पर मान लीजिए उसको सामान लोड करना है, फिर उसके बाद सामान लेके जाना है, सामान उसको रखवाना है, ये सारा काम तो एक बार में एक ही शिप करेगी ना, तो इसीलिए एक बार के बाद दूसरी शिप आ रही है, तो दैट मीन्स एक बार में एक शिप आ रही है फिर उसके बाद दूसरी शिप आ रही है, तो यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ वर्क हो रहा है, जो भी काम किया जा रहा है उसको रिपीट किया जा रहा है, इसीलिए ये सेंटेंस ऐसे बनाया गया है। Any doubt in this? यहाँ पे singular noun, singular verb क्यों लगेगा ये पता चल गया? कोई doubt है बच्चे इसमें या दूसरे आगे बढ़ सकते हैं? No ma'am, कोई doubt। चलिए then moving on, आपका next जो है, ठीक है, next आपका क्या है rule? 22 rule ये कहता है
इफ योर नाउन, ठीक है, आपका जो नाउन है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में सेम रहे, ठीक है, मान लीजिए कोई एक वर्ड है, उसको सिंगुलर फॉर्म उस वर्ड का सेम है, प्लूरल फॉर्म भी उस वर्ड का सेम है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि जैसे शिप हो गया, ठीक है, फिश हो गया, डियर हो गया, तो एक फिश को भी आप फिश बोलेंगे, एक से ज्यादा फिश को भी आप फिश ही बोलेंगे, राइट। तो उसी चीज के लिए तो वहां पर ऐसे वर्ड्स जब रहते हैं तो वहां पर आपका वर्ब कैसे डिसाइड होगा कि आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे या सिंगुलर, आपका जो मीनिंग होगा सेंटेंस में, आप एक शीप के बारे में बात करना चाहते हैं या एक से ज्यादा शीप के बारे में बात करना चाहते हैं, तो उस मीनिंग के हिसाब से आपका वर्ब लगेगा। अ शीप इज अ ब्यूटिफुल एनिमल। नाउ लुक इन दिस सेंटेंस, ए इज यूज्ड, ए जो है वो यूज हुआ है, दैट मीन्स आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक ही कोई चीज के बारे में बात की जा रही है। एन एप्पल मतलब कोई एक एप्पल है, ठीक है, आई एट एन एप्पल मतलब मैंने एक एप्पल खाया, तो ए और एन लगा है, इससे पता चल जाएगा कि एक ही चीज की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। इफ सिंगुलर बाबू हाँ, तो मेनी शीप आर ग्रेजिंग देयर, बहुत सारे शीप, जैसे यहाँ पर देखिए मेनी से आपको पता चल गया कि एक से ज्यादा शीप है, ठीक है, एक से ज्यादा शीप है वहां पर ग्रेस कर रहे हैं, एक से ज्यादा शीप को उन्होंने हर्डिंग के लिए लेके गया गया है, तो वहां पर आप आर लगाएंगे। इफ दिट इज एबसेंट, इज और आर अगर एबसेंट है एंड यू हैव टू गेस व्हाट, हाउ डू यू फिल दिस सेंटेंस, दिस ब्लैंक इन दिस सेंटेंस, तो आपको ये सारे क्लूज ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल में भी सेम रहेगा, सिंगुलर में भी सेम रहेगा, तो आपको क्या क्लू मिलना है, ए लगा हुआ है, मेनी लगा हुआ है, इससे आपको पता चल जाएगा कि एक से ज्यादा है या नहीं है। अंडरस्टूड? एनी यस डाउट मैम इन दिस? ओके, नेक्स्ट आपका है, इफ योर सेंटेंस कंटेन एन इन्फिनिटिव, गेरंड, फ्रेजेस या फिर क्लॉज, ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे क्लॉजेस होते हैं या फ्रेजेस होते हैं या इन्फिनिटिव हो गए, गेरंड हो गए, इसमें क्या होता है कि आपका जो सेंटेंस होता है वो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसको ये रूल उसको वो स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं ये सारी चीजें, ठीक है, ये जो नॉर्मल सब्जेक्ट नॉर्मल आपका जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वो रूल को ये सारे चीजें फॉलो नहीं करते हैं, तो यहाँ पर कभी आपका सब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ठीक है, कहीं पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट रहेगा ही नहीं सेंटेंस में, ठीक है, तो ऐसी जब चीजें होती हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा इन सारे फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स में सिंगुलर वर्ब यूज होता है हमेशा। क्यों सिंगुलर वर्ब होता है? स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है, टू स्विम इज गुड फॉर यू। अब यहाँ देखिए दोनों सेंटेंस में स्विमिंग की बात की जा रही है, स्विमिंग मतलब एक वर्ब है, कोई एक कार्य है, ठीक है, और एक ही कार्य के बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ तो आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ये सिर्फ एक सिंपल स्टेटमेंट है बताने के लिए कि व्हाट गुड स्विमिंग इज, राइट। मैं अगर इफ समबडी आस्क कि व्हाई शुड आई लर्न स्विमिंग, ठीक है, मुझे क्यों जरूरत है स्विमिंग करने की, तो आप ये बोल सकते हैं कि स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज या फिर टू स्विम इज गुड फॉर यू, दिस इज नॉट अ सेंटेंस, ये दोनों ही सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस में अगर बोलना चाहते हैं तो सेंटेंस में क्या बोलेंगे कि इट इज गुड फॉर यू, ठीक है, वो सेंटेंस है, इट इज गुड फॉर यू, इट इज योर सब्जेक्ट, यू यानी कि जो ऑब्जेक्ट जिस पे असर पड़ेगा स्विमिंग का, वहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, देज आर नॉट स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पर सिर्फ स्विमिंग की बात की जा रही है, एक एक्सरसाइज की बात की जा रही है, तो यहाँ पर सिंगुलर ही है, कोई भी सेंटेंस अगर बन रहा है तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। एनी डाउट इन दिस? शी इज पुअर, दैट शी इज पुअर इज नोन टू मी। नाउ अगर इसको मैं स्टेटमेंट में लगाती, ठीक है, या सेंटेंस बनाती इसे, तो सेंटेंस में क्या होता, दैट आई नो दैट शी इज पुअर, ये सेंटेंस है कि मुझे पता है वो गरीब है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, बट यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट आपका पहले आ रहा है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, तो ये पूरा जो है स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है सेंटेंस का नॉर्मल स्ट्रक्चर, तो इसीलिए यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो इज लगा है, ठीक है। एनी डाउट इन दिस?
इसमें कोई डाउट है? नो मैम। ऑब्जेक्ट पहले क्यों लगा है बच्चे? क्योंकि ये सेंटेंस नहीं है, ये क्लॉज है, ये क्लॉज है, इससे सेंटेंस नहीं है। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आप इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्लॉज बन जाएगा। ठीक है, और हर एक सेंटेंस को आप क्लॉज नहीं बना सकते हो। अगर आप सारे सेंटेंस को रिवर्स कर रहे हो, दैट मींस आप पैसिव से एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हो। हर एक स्टेटमेंट नहीं बन जाएगा क्लॉज। क्लॉज तब होता है जब आप वहां पर इस टाइप का स्टेटमेंट बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, दैट शी इज पुअर इज नोन टू मी। यहाँ पर देखिए, दैट पहले आ रहा है। ठीक है, दैट अगर दैट से आप सेंटेंस बनाते हैं कोई भी नॉर्मल, तो दैट पहले नहीं आता है ना आपका कभी? स्टार्टिंग में कोई सेंटेंस बनता है आपका दैट से, दिस से बनता है, राइट? दिस से बनता है कि दिस इज माय बुक, दिस इज माय पेन, राइट? दैट इज हिज पेन। से भी तो बन सकता है मैम। तो दैट से बनेगा, उससे पहले आप डिस्क्राइब करेंगे कि किस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया कि किस चीज के बारे में बात की जा रही है? यहाँ दैट से ही स्टार्ट हो रहा है आपका सेंटेंस। ठीक है, ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, दैट शी इज पुअर, यहाँ पे देखिए दैट और आपका ऑब्जेक्ट में के बीच में कुछ नहीं है। ठीक है, दैट है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, शी इज पुअर, ठीक है, is known to me, यहाँ पर ये verb है, known है, ठीक है, helping verb लगा है, main verb लगा है, फिर उसके बाद आपका subject आया है, ठीक है, preposition लगा है, तो इस sentence का जो structure है, ये follow नहीं कर रहा है, that is why it is a clause, ठीक है? अभी भी समझ में नहीं आया? Yes, ma'am, आ गया। Okay, तो next आपका rule ये है कि अगर आपके सेंटेंसेस में ये सारी चीजें लगी हैं, ठीक है, क्या चीजें हैं? अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, ये सारी जो चीजें हैं, इफ योर सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद दिस और इट कंटेन्स दीज थिंग्स, ये फ्रेजेस आपके सेंटेंस में है, तो अगर उनके साथ काउंटेबल नाउन लगा है तो आपका प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। अगर नॉन काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, सॉरी, तो वर्ब आपका सिंगुलर लगेगा। क्यों लगेगा? यहाँ देखिए, अबाउट हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, मतलब आधे स्टूडेंट जो आपकी जो आपका जनरल अटेंडेंस है, आपका जितने बच्चों ने आपने एडमिशन लिया है इस कोर्स में, उसमें से आधे बच्चे प्रेजेंट थे। ठीक है, अब आधे कितने हैं आपको नहीं पता है, बट आप काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, राइट? कितने हैं आपको नहीं पता है, बट जिसको आपने बोला है वो अंदाजा लगा सकता है कि हाँ चलो 100 स्टूडेंट है इस क्लास में, तो अप्रोक्स 50-60 स्टूडेंट आए होंगे, राइट? तो वो चीज है, काउंटेबल है। बट अगर मैं बोलूँ कि हाफ ऑफ द मिल्क वॉज स्पॉइल्ड, अब हाफ ऑफ द मिल्क को आप काउंट तो नहीं कर सकते हो, हाफ ऑफ द मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो आप जब काउंट नहीं कर सकते हो उसको, तो प्लूरल और सिंगुलर तो लगेगा ही नहीं वहां पर, जब काउंट ही नहीं कर सकते हो। मेरा एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वन स्टूडेंट, अगर मैं सुबान की बात कर रही हूँ, तो सुबान इज वन स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, तो वो एक स्टूडेंट है, तो वो मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैं सिंगुलर नाउन लगाऊंगी। अगर मैं सारे स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, ऑल स्टूडेंट इन दैट आर इन बीबीए सेकेंड सेम, तो वो मेरा प्लूरल हो जाएगा। मुझे पता है कि एक से ज्यादा बच्चे हैं, तो वो मुझे पता है सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगी तो प्लूरल वर्ब लगाऊंगी। बट यहाँ पर हाफ ऑफ द मिल्क है, तो हाफ ऑफ द मिल्क को आप काउंट कैसे करोगे? काउंट तो कर ही नहीं सकते, तो इसीलिए यहाँ पर आप वॉज लगाते हैं। व्हेन देयर इज एन अनकाउंटेबल नाउन आफ्टर दीज फ्रेजेस, ये जो फ्रेजेस लगाए गए हैं यहाँ आगे में, इन फ्रेजेस के बाद अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन आता है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर काउंटेबल आता है तो आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे। Any doubt in this? इसमें कोई डाउट है? Okay. Then moving on to the next. कहाँ पर a number लिखना है, कहाँ पे the number लिखना है, ये बता रहा है इस रूल में। ठीक है, a number आपको तब लिखना है, a number आप तब लगाते हैं when you are not specifying
द अमाउंट ऑफ नंबर, जो कितना नंबर है, ठीक है, आपको नहीं पता है कि कितना नंबर है, आपको कोई डेफिनेट अमाउंट नहीं पता है, कोई डेफिनेट मेजरमेंट नहीं है आपके पास कि कितने नंबर की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, 10 नंबर की बात कर रहे हैं, 15 नंबर की बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता है, तो उस टाइम में आप अ लगाएंगे, ठीक है। द आप तब लगाएंगे जब आपको डेफिनेटली पता है कि हो सकता है कि 15 नंबर हो या फिर 10 नंबर हो, उतने ही नंबर की बात की जा रही है, तब आप द लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड इंग्लिश इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इज जनरली स्मॉल, दैट मीन्स यू कैन काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैव ऑप्टेड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राइट। इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में कितने बच्चों ने इंग्लिश ऑप्ट किया है, आप बहुत आसानी से काउंट कर सकते हैं। That means if it is countable, yes. If it is like a number that can be easily obtained, then यहाँ पर the number लगेगा। A number of English books are available in library. That means you are not specify कि how many books are there. आप specify नहीं कर रहे हैं कि library में कितनी English books रखी हैं, but बहुत सारी रखी हैं। तो आप उनमें से कुछ भी choose कर सकते हैं। So whenever you are given a number of options, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, आपको नहीं पता कि कितने हैं, ठीक है, आपको बस बता दिया गया है कि अ नंबर ऑफ, इफ आई एम टेलिंग यू कि अ नंबर ऑफ पीपल से दैट 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 अ पर्टिकुलर बुक इज नॉट गुड इनफ फॉर अ सर्टन एग्जामिनेशन, ठीक है, एक कोई पर्टिकुलर बुक है जो एक सर्टन एग्जामिनेशन के लिए अच्छी नहीं है, तो अगर मैं कहूंगी कि अ नंबर ऑफ पीपल से दिस, ठीक है, अगर हम और नंबर लगा दिया, दैट मीन्स मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ कि कितने लोगों ने कहा, बट अगर मैं कहूँ कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और द नंबर ऑफ पीपल हु से दैट दिस बुक इज नॉट गुड फॉर दिस एग्जामिनेशन इज अप्रोक्सीमेटली 10%, यानी कि मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में से 10% जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वो बुक नहीं है अच्छी उस एग्जाम के लिए। समझ में आया डिफरेंस अ नंबर और द नंबर कहाँ लगेगा? यस मैम। ओके, किसी को डाउट नहीं है, वी कैन मूव फॉरवर्ड विद दिस। ओके, देन नेक्स्ट आपका हो गया कि जब आप नन यूज करते हैं, ठीक है, नन का, नन पता है, नन शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है, नो वन का शॉर्ट फॉर्म है नन, ठीक है, इट्स अ शॉर्ट हैंड राइटिंग। तो शॉर्ट हैंड राइटिंग में जब आप नन लिखते हैं तो नो वन में आप क्या मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं वो जरूरी है ये जानने के लिए कि आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे या प्लूरल वर्ब लगाएंगे। हालांकि नन में यूजुअली सिंगुलर वर्ब ही लगता है, बट देयर आर सम सेंटेंसेस वेयर यू कैन लेट्स से यू कैन काउंट, काउंटेबल नाउन है, ठीक है, आपको पता है कितना नंबर की बात की जा रही है अप्रोक्सीमेटली, तब आप वहां पर प्लूरल लगाएंगे। कैसे, यहाँ देखिए, नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द रिवॉर्ड, यहाँ पर द ब्रेव लिखा हुआ है, अब कितने लोग ब्रेव होंगे, विच ग्रुप यू आर टॉकिंग अबाउट, हो सकता है कि आजादी की लड़ाई की बात की जा रही है उसमें जो ब्रेव हैं, हो सकता है कि कारगिल वॉर की बात की जा रही है उसमें जो ब्रेव थे, तो यू आर नॉट स्पेसिफाइंग कि विच ब्रेव पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट और विच ब्रेव पीपल यू आर टॉकिंग अबाउट। तो जब यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, दैट मीन्स आप हर एक उस ब्रेव जवान को कह रहे हैं, जो ब्रेव है, जो भी जवान ब्रेव है उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, मतलब आप पर्टिकुलरली एक ग्रुप, मतलब आप सारे जो जवान हैं उनको पर्टिकुलरली कह रहे हैं, सारे जवान को, कि इनको मिलना चाहिए रिवॉर्ड। तो एक एक को कह रहे हैं सबको, तो आपका सिंगुलर हो गया वर्ब, सॉरी नाउन, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो गया, तो आपका वर्ब भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। प्लूरल कब रहेगा, None were injured, यहाँ पर देखिए no one was injured होता है, अगर no one रहता, मैम, yes, subject singular रहा तो verb भी singular ही रहेगा। हाँ बच्चे, normal case में वही होता है, subject verb agreement पढ़ाया था ना, if your subject is singular your verb should be singular, if your subject is plural your verb should be plural, और उसके exception भी मैंने आपको बताए थे कि कहाँ कहाँ नहीं होता है ऐसे केसेस में, कहाँ सिंगुलर रहता है सब्जेक्ट फिर भी वर्ब आपका प्लूरल रहेगा, कहाँ आपका प्लूरल सब्जेक्ट रहता है और कहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगा उसके साथ, वो सारा मैंने आपको डॉक्यूमेंट में दिया था, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाला जो डॉक्यूमेंट है
उसमें ये चीज दी गई है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है वर्ब में कि जहां सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट वहां आपका वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, जहां प्लूरल आपका सब्जेक्ट है वहां पर प्लूरल वर्ब रहेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ योर वर्ब। ये कहां एक्सेप्शन है वो याद रखना है कि कहां ऐसा नहीं होता है, वो चीजें याद रखने वाली चीज है। अगर होता है तो जनरली फॉर्म में आप कोई भी रूल पकड़ के देख लीजिए, सारे में यही है कि जहां आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है वहीं पर आप लगा रहे हैं सिंगुलर वर्ब, जहां आपका सब्जेक्ट प्लूरल है वहां पर आप प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं। ओके ओके तो यहाँ पर देखिए नन वर इंजर्ड। अब मान लीजिए कि आपके सामने ट्रैफिक जाम में चार पांच गाड़ियों का कोलिजन हो गया, ठीक है, चार पांच गाड़ियों का कोलिजन हो गया, तो वहां पर कितने लोग इंजर्ड है ये आप बता सकते हैं, राइट? रिपोर्टर्स कुछ देर बाद तो न्यूज देंगे ना, जब उन लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा तो आप ये रिपोर्ट में दिखेंगे न्यूज में कि इतने लोग इंजर्ड हुए या इतने लोग घायल हुए, छोटी मोटी चोट लगी या कोई सीरियस है या कोई नहीं है, ये सारा रिपोर्ट आपको मिलेगा। दैट मीन्स योर यू कैन नो और यू नो द अमाउंट ऑफ डैमेज और द पीपल हु आर इंजर्ड। तो यहाँ पर जब आपको पता है कि एक से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, और आप सबको साथ में रेफर कर रहे हैं कि उनमें से कोई भी ज्यादा घायल नहीं हुआ है, छोटी मोटी चोटें आई होंगी किसी को, ज्यादा घायल कोई नहीं हुआ है, तो दैट इज वाई यू आर टेलिंग हियर। यहाँ पर मीनिंग यही कन्वे करना चाहता है कि नन वर इंजर्ड, दैट मीन्स अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पीपल यहाँ पर बात की जा रही है, हुवर नो वन वॉज इंजर्ड, उसमें से कोई भी इंजर्ड नहीं था। ठीक है, समझ में आया ये रूल? इस रूल में कोई डाउट है या आगे बढ़े? ऑप्शन नंबर बी एक बार बताइए तो फिर। बी समझा दें, नन वर इंजर्ड मतलब कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो भी एक पर्टिकुलर पीपल है, ठीक है, एक ग्रुप है, मान लीजिए जैसे कि मैंने कहा कि चार गाड़ियों का कोलिजन हो जाए, ठीक है, चार गाड़ियों में चार लोग थे, ठीक है, कितने हो गए, 16 लोग, ठीक है, 16 में से कोई भी घायल नहीं हुआ, ठीक है, ज्यादा घायल मतलब किसी का सीरियस कंडीशन नहीं है, ठीक है, तो वहां पर अगर मैं ये बोलूं कि उनमें से कोई घायल नहीं हुआ तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नो वन वॉज इंजर्ड, नो वन लिखेंगे, नो वन वॉज इंजर्ड, बट नन लिख रहे हैं, ठीक है, नन जो है, नन आप तब लगाते हैं जब आप सिंगुलर किसी को लेते हैं, ठीक है, नन बट द ब्रेव डिजर्व द रिवॉर्ड, इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी ब्रेव लोग हैं उनसे आप पर्टिकुलर कह रहे हैं कि ये ब्रेव है तो इसको भी रिवॉर्ड मिलेगा, ये ब्रेव है तो इसको भी रिवॉर्ड मिलेगा। अब नन वर इंजर्ड यानी कि जो भी लोग हैं, 16 जो लोग हैं, 16 लोगों में से कोई भी घायल नहीं हुआ था, आप सबको एक साथ बोल रहे हैं कि 16 लोग में से सारे इंजर्ड नहीं हुए थे, तो नन वर इंजर्ड। वेन यू नो द नंबर ऑफ पीपल यू आर टॉकिंग अबाउट और द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है? यस मैम। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अगर आपके सेंटेंस में नथिंग बट आता है, यानी कि आपका फ्रेज जो ये सेंटेंस, ये जो फ्रेज है नथिंग बट, अगर आपके सेंटेंस में लगा है तो भले आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई मतलब नहीं है, आपका वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ द मेन रूल कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, ये एक एक्सेप्शन है, इसको एज एन एक्सेप्शन आप लिख सकते हैं कि अगर नथिंग बट लिखा है सेंटेंस में और वहां से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो वहां पर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, प्लूरल भी है तो भी वर्ब प्लूरल नहीं रहेगा, सिंगुलर रहेगा, ठीक है? नथिंग बट हिल इज सीन, नथिंग बट बर्ड्स is seen, ठीक है, ये आपका as an exception है। तो इसीलिए rules बताए जाते हैं कि जो आपका particular main rule है subject verb agreement का, वो कहाँ काम कर रहा है, कहाँ नहीं काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, वो चीज के लिए ही इतने सारे rules बनाए गए हैं। Okay, and one more thing, a lot of changes has happened, ठीक है, मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि जो भी पुराने rules हैं वो मैं नहीं बताऊं यहाँ पर, जो रिन्यू हो गए हैं, ठीक है, जो नए रूल्स बने हैं उनको ही बताऊं। इफ यू फाइंड एनी एक्सेप्शन टू दीज रूल्स, क्योंकि यू हैव योर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट भेजती हूँ, तो आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप रिसर्च खुद से भी कर सकते हैं। इफ यू फाइंड एनी एक्सेप्शन
तो आप मुझे बता सकते हैं, हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं कि इफ द रूल हैज चेंज्ड और नॉट, ठीक है? यस मैम। ओके, देन मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो है, यहाँ देखिए मैंने आपको 11th रूल में बताया था ये चीज कि ईच और एवरी लगेगा, तो आपका वहां पर नाउन ईच और एवरी के बाद जो लग रहा है वो भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। क्यों सिंगुलर लेते हैं? जब आप ये सारे वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है, एवरीबडी, एनीबडी, ईच, एवरी, नो वन, सम वन, समथिंग, समबडी, ये सारे वर्ड्स क्या करते हैं, ये जब आप पर्टिकुलर किसी को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप मान लीजिए कि अगर इस तरह सोचिए कि आपको किसी की, मतलब आपको किसी को कुछ बोलना है, कुछ बुरा बोलना है, लेकिन आप मुंह पे नहीं बोल सकते क्योंकि वो बुरा मान जाएगा तो आपको मारेगा, ठीक है? लेकिन आप क्या करोगे, आप एज अ जनरल बोलोगे कि मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद जो ऐसा करते हैं। तो उस टाइप में जब आप बोलते हो, दैट मीन्स आप पर्टिकुलरली किसी को नहीं बोल रहे हो, आप इन जनरल बोल रहे हो किसी के बारे में, जो वो काम करता है वो अपने ऊपर ले लेगा कि अरे ये तो मेरे बारे में बोल रहा है। तो वही चीज होता है यहाँ पर भी, जब एनी बडी, एवरी बडी, ईच या एवरी में आप सेंटेंस बनाते हैं, तो इससे क्या होता है कि अगर मैं कह रही हूँ कि हैज एनी बडी सीन माई पर्स, ये मैं एक जनरल क्वेश्चन थ्रो करूंगी जितने मेरे सामने लोग हैं, ठीक है? मान लो मैंने स्टाफ रूम में जाके ये क्वेश्चन पूछा कि हैज एनीबडी सीन माय पर्स, दैट मीन स्टाफ रूम में जितने लोग हैं मैंने ये इनसे क्वेश्चन किया, लेकिन आंसर कौन करेगा? जिसने देखा है, ठीक है? ये आंसर कौन करेगा? मान लो किसी एक टीचर ने देखा होगा तो वो मुझे रिप्लाई करेगा कि हाँ मैम आपका बैग यहाँ था, शायद इधर शिफ्ट हो गया, किसी ने कर दिया होगा इधर, ठीक है? तो whenever you're like making a statement with these thing, आप किसी particular को नहीं बोलते हो, in general statement बता, sorry, in general statements बता रहे हो, लेकिन उससे क्या होगा कि आपके जो मतलब जिसको statement अपने ऊपर लेना है वो लेगा, और जिसको statement नहीं लेना है वो ignore करेगा, ठीक है? Each child gets a prize, that means वहाँ पर जितने भी हैं सबको prize मिलेगा, that means वहाँ पर सब जो भी हैं वहाँ पर present बच्चे, जितने बच्चे वहाँ present हैं वो एक एक करके आपके subject हैं, ठीक है? Sentence का एक एक करके सारे subject हैं, each है ना, तो that means एक एक करके सारे prize लेने जाएंगे, सबको prize मिलेगा, लेकिन एक एक करके जाएंगे, that means वो आपके एक एक करके सारे subject हैं, इसीलिए वो आपका singular subject ही रहता है। That is why this rule की ये सारे words जब भी use होते हैं तो आपका verb हमेशा singular verb ही रहेगा, ठीक है? One of them is lying, मतलब उनमें से जो भी लोगों की बात की जा रही है उसमें से कोई एक झूठ बोल रहा है। Someone is waiting for you, कोई wait कर रहा है, ठीक है? कौन wait कर रहा है आपको नहीं पता है, ठीक है? एक आदमी है, दो आदमी है, आपको नहीं पता है, आपको बस पता है कि कोई wait कर रहा है, तो someone is waiting for you, कोई आदमी वेट कर रहा है, कोई लेडी वेट कर रही है, कोई भी हो सकता है। समवन मतलब कोई भी हो सकता है, इट्स रैंडम स्टेटमेंट, ठीक है? तो रैंडम स्टेटमेंट जब आप बोलते हो तो आपका सिंगुलर वर्ब लगेगा। एनी डाउट इन दिस और वी कैन मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े? यस मैम। चलिए, तो नेक्स्ट आपका हो गया कि व्हेनेवर यू आर यूजिंग ऑल, एनी, इनफ, मोस्ट एंड सम, ये सारे जब वर्ड्स रहते हैं, ठीक है? ऑल आप कब लगाते थे? ऑल का एक और रूल मैंने बताया हुआ है कि ऑल अगर आप लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? ऑल का मतलब होता है कि सारा, राइट? ऑल का मतलब क्या होता है? सारा। तो जब सारे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो प्लूरल आना चाहिए क्योंकि सारा है, दैट मीन्स एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, तो यहाँ सिंगुलर कैसे लग गया? देखिए यहाँ पे कैसे लगा, ऑल शी वॉन्ट्स is to be happy. क्या चाहती है वो? बस खुश रहना चाहती है. That means all का जो meaning है यहाँ पर वो बदल गया, ठीक है? वो बदल गया. क्या meaning हो गया? कि वो सिर्फ इतना चाहती है कि वो खुश रहे. That is the meaning of this statement. यही मतलब है ना statement का? Yes, ma'am. यही मतलब है. तो that means आपका statement बदल गया कि वो खुश रहना चाहती है. यही उसका ultimate motive है कि वो खुश रहे. तो अल्टीमेट मोटिव यही है, तो कोई एक ही मोटिव है, एक ही मोटिव है ना. शी ओनली वन वांट है उसका, जो भी उसका एक इच्छा है, एक ही इच्छा है, तो एक ही इच्छा है, दैट मींस वो सिंगुलर हो गया. सिंगुलर हो गया तो आपका सिंगुलर वर्ब लग गया. एनी डाउट इन दिस?
एनी फ्रेंड्स ऑफ योर एनी फ्रेंड ऑफ योर्स इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड, मतलब आपके कोई भी दोस्त है वो मेरा भी दोस्त है। अब वो कोई एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, बट आप यहाँ पर कोई एक फ्रेंड ले रहे हो ना, कोई एक पर्टिकुलर जनरल में ले रहे हो कि हाँ अगर आपका दोस्त है तो मेरा भी दोस्त है, राइट? एनी फ्रेंड ऑफ योर्स इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका ये सब्जेक्ट में सॉरी प्लूरल क्यों लगा, ठीक है? हैव तो आपका प्लूरल है तो प्लूरल क्यों लगा? इनफ पीपल हैव बीन हर्ट ऑलरेडी। इनफ का मतलब क्या होता है? इनफ का मतलब कोई बता सकता है मुझे? इनफ आप सेंटेंस में कब लगाते हैं, क्या मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं जब आप इनफ लगाते हैं सेंटेंस में? काफी काफी है मतलब उतना ठीक है, उतना ही चाहिए उसको, राइट? पर्याप्त हाँ पर्याप्त। इनफ पीपल हैव बीन हर्ट ऑलरेडी, दैट मीन्स वो यहाँ पर क्या मीनिंग करना चाहता है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी हर्ट हो चुके हैं, मुझे ये काम और नहीं करना है, ठीक है? तो बहुत सारे लोग कैसे हो गया जब यहाँ पर इनफ लिखा हुआ है, उसका मीनिंग बदल गया सेंटेंस के मीनिंग के साथ, राइट? सेंटेंस का जो मीनिंग है उसने क्या किया, सेंटेंस में जैसे यूज हो रहा है इनफ का मीनिंग बदल गया, तो बहुत सारे लोग हो गए तो वो प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया तो हैव लग गया, ठीक है? मोस्ट बॉयज इन न्यूजीलैंड प्ले रग्बी, मतलब ज्यादातर लड़के, ज्यादातर यानी कि बहुत सारे हैं, ठीक है? मान लीजिए कि 100% पॉपुलेशन में से, सॉरी पॉपुलेशन में से 90% रग्बी खेलते हैं, ठीक है? अब 90% खेल रहे हैं, दैट मीन्स यू कैन कैलकुलेट हाउ मेनी बॉयज कैन प्ले सॉरी बॉयज प्ले रग्बी, तो वहां पर कितने लोग खेल रहे हैं, एक से ज्यादा है आपके सब्जेक्ट, तो प्ले हो गया, प्लेज नहीं लगा, ठीक है? सम फूल इज फायरिंग अ राइफल इन द वुड्स, कोई एक आदमी है जो वुड्स में यानी कि फॉरेस्ट में फायर कर रहा है, राइफल फायर कर रहा है, तो सम फूल यानी कि एक कोई आदमी कर रहा है, तो एक सब्जेक्ट है तो इज लगा, ठीक है? तो यू हैव टू फाइंड फ्रॉम द मीनिंग कि हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डू यू हैव, और उस हिसाब से यू आर पुटिंग द वर्ब, ठीक है? समझ में आया? इसमें ओके, देन 30th रूल आपका ये कहता है कि जब आप अगर आपका सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इकट्ठे ना हो सेंटेंस में, ठीक है? राम प्लेज फुटबॉल, राम आपका सब्जेक्ट है, प्लेज आपका वर्ब है, ठीक है? फुटबॉल आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, राइट? तो अगर आपका मैम सब्जेक्ट और आपका आवाज नहीं आ रहा है। आई एम नॉट ऑडिबल, यस मैम ऑडिबल। बच्चे शायद नेटवर्क इशू होगा, एक बार आप फिर से ज्वाइन करके देखिए, मेरा नेटवर्क इशू नहीं है, बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? सुभान, गौरव, यू यस कैन हियर मी? मैम यस मैम ओके, यस मैम हाँ तो बच्चे आपका शायद नेटवर्क इशू होगा, आप दोबारा से एक बार ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ, यस मैं बता रही थी कि अगर आपका सब्जेक्ट और वर्ब जो है, ठीक है, राम प्लेज फुटबॉल है, तो राम आपका सब्जेक्ट है, वर्ब बगल में लगा हुआ है उसके, तो अगर ऐसा सेंटेंस में ना हो कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के बीच में कोई क्लॉज आ गया, ठीक है, या कोई फ्रेज आ गया, या एडजेक्टिव्स वगैरह लग गए, कोई भी चीज आपके सब्जेक्ट और वर्ब को अलग कर रही है, उसके बावजूद आपका जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के हिसाब से ही रहेगा, ठीक है? वो सब्जेक्ट और वर्ब का जो अग्रीमेंट है वो टूटना नहीं चाहिए। द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स इज वेल नोन। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स इज वेल नोन, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? क्या है बच्चे सब्जेक्ट इसमें? द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स इज वेल नोन, क्वालिटी में यस क्वालिटी इज योर सब्जेक्ट, जो गुड्स की क्वालिटी है उसके बारे में बात की जा रही है। वेल नोन क्या है? गुड्स की क्वालिटी, राइट? तो क्वालिटी यहाँ पर सिंगुलर है, ठीक है? सिंगुलर सब्जेक्ट तो क्या होगा वर्ब आपका? सिंगुलर।
दैट मीन्स यहाँ बीच में कुछ भी आ रहा है आपको कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। ये योर व्यूज ऑन दिस मैटर आर सपोर्टेड बाय ऑल, यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट आपका, इस सेंटेंस में क्या है सब्जेक्ट, योर व्यूज ऑन दिस मैटर आर सपोर्टेड बाय ऑल। यस, व्यूज इज योर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया लेकिन यहाँ मैटर, मैटर एक ही है लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना है। व्यूज इज योर सब्जेक्ट, नाउ व्यूज सब्जेक्ट है तो यहाँ पर व्यूज के हिसाब से, यानी कि जो सब्जेक्ट प्लूरल है प्लूरल के हिसाब से वर्ब भी प्लूरल लगा है। एनी डाउट इन दिस, कोई डाउट नहीं है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, एंड आई विल बी सेंडिंग दिस फाइल इन योर ग्रुप, यू कैन लुक गो थ्रू विद द फाइल डॉक्यूमेंटेशन। प्रीवियस फाइल भी मैं भेज दूंगी, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू विद दैट, एंड एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, एंड आई हैव टेकन द अटेंडेंस, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ओके यस मैम, ओके मैम, ओके।